फोटोसिंथेटिक के बारे में मैंने आपको ऑटोट्रॉप्स बता दिया, हेटरोट्रॉप्स बता दिया। अब देखो ऑटोट्रॉप्स प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, बट वो फोटो इसके अंदर वो प्रिपेयर कैसे करते हैं अपना खाना ये बताएंगे पहले। तो ये अपना खाना प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेटिक से, ठीक है। और इस फोटोसिंथेटिक द एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज, सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रिपेयर, ठीक है, प्रिपेयर करना। सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रिपेयर। द एनर्जी, कौन सी एनर्जी यहाँ पे यूज होती है? सनलाइट, सनलाइट एनर्जी होती है जो यूज होती है, ठीक है। द एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Since the synthesis of food occur in the presence of a sunlight, this is called a photosynthetic. इसे हम क्या बोलते हैं? Photosynthetic बोलते हैं। With the help of, देखिए, plant जो होता है sunlight की मदद से, carbon dioxide की मदद से, water की मदद से क्या करता है? Photosynthesis करता है, ठीक है, prepare करता है, खाना बनाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? Photosynthetic। Photosynthetic हम इसलिए क्यों बोलते हैं? Photo का मतलब होता है light, ठीक है, और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना। तो ये लाइट के थ्रू ही, जो सनलाइट है, सनलाइट ही एक मेन सोर्स है जिसके वजह से ये जो प्लांट्स होते हैं अपने खाना बनाते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि फोटो का मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, ठीक है। अब देखिए ये रहा हमारा सनलाइट, ठीक है, ये क्या देता है हमें? एनर्जी देता है, लाइट देता है। यहाँ पे ये प्लांट्स क्या करते हैं? ये अपने जो लीव्स होते हैं इसके थ्रू क्या करते हैं? ये ऑब्जर्व करते हैं। ये क्या किया उन्होंने? ऑब्जर्व किया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, बट रात में ये उल्टा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एंड ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ज्यादातर प्लांट्स में ये हो जाता है। और ये जो देते हैं ये एनर्जी, ये ऑब्जर्व करते हैं, ये सनलाइट की एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ये मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से इन्होंने ये सारे जो जो कॉम्पोनेंट चाहिए थे ये मिल गए। नेक्स्ट वाटर एंड मिनरल्स, वाटर वाटर मिल जाता है इन्हें कहाँ से? ये रूट से ले लेते हैं अपनी वाटर, वाटर रूट से ले लेते हैं। एंड मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं? जो मिनरल्स होते हैं ये भी कहाँ पे होते हैं? सॉइल में होते हैं, और ये मिनरल्स ये वहाँ से मिल जाता है। अब ये क्या कहते हैं? फूड को सिंथेसाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो प्रिपेयर जब करते हैं तो इसका इक्वेशन ये बनता है, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और ये क्या कहते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और सनलाइट की जब प्रेजेंस में ये क्या करते हैं? ये बना देते हैं, क्या बना देते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? यही होती है एनर्जी, यही जो होती है ये एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं जिसे हम फूड कहते हैं, ठीक है। और ये ऑक्सीजन क्या करते हैं? बनाते हैं, जिसको ये बाद में रिलीज करते हैं। और जो ह्यूमन है हम और जितने भी अदर एनिमल्स हैं वो क्या कहते हैं? सर्वाइव कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट्स के थ्रू ही मिलता है हमें, ठीक है। तो ये है हमारा क्या? फोटोसिंथेटिक। वो फिर से ध्यान से देखेंगे, लाइट सन से मिला हमें, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मिल जाता है हमने, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है लीफ में, जिस वजह से ये क्या करते हैं? सनलाइट को अब्सॉर्ब कर पाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलता है हमें? सॉइल से मिलता है, ये रूट से अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ये क्या करते हैं? इसको सिंथेसाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करने के बाद क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जिसे हम फूड बोलते हैं, और ऑक्सीजन बनाते हैं जो रिलीज करते हैं ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इसके बारे में कि व्हाट इज क्लोरोफिल, व्हाट इज स्टोमाटा, व्हाट इज स्पोर्स। लीफ को, ये जो लीफ है ना, लीफ उसको जूम कर दूंगा मैं, जूम, उसमें एक एक चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप जो भी समझ आया होगा आपको प्लीज नोट कर लीजिए।